खरगोन शहर के टेमला रोड स्थित पीएम आवास मल्टी में रहने वाले लोगों की परेशानियां खत्म होते नजर नहीं आ रही। यहां बनी 11 मल्टियों में 240 फ्लैट में नगर पालिका ने मकान आवंटित किए हैं। करीब 2 वर्षों से रहवासी पेयजल सहित साफ सफाई व्यवस्था को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। नगर पालिका ने यहाँ पेयजल के लिए कुएं का निर्माण कराया है, लेकिन नाले के बीच बने कुएं से मिल रहे पानी से लोग नाराज हैं। शुक्रवार को रहवासी इकट्ठा हुए और नाराजगी दर्ज कराई। रहवासियों ने बताया कि 2 दिन पहले हुई बारिश से नाले का पानी कुएं में इकट्ठा हो गया, जिससे पानी गंदा और मटमैला सप्लाई किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी अफसर ध्यान नहीं दे रहे। गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे। यहाँ मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, जो आरओ का पानी खरीद कर नहीं पी सकते। रहवासियों ने पेयजल व्यवस्था में सुधार की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। समस्या के कारण ये लड़की बहुत बीमार पड़ जाती है बार बार। हम इतना पानी ले नहीं पाते, 20 रुपए डब्बा मिलता है हमको, okay. हम ले नहीं पाते। आपने अभी तक इनके इलाज में कितना पैसा लगा दिया है? लग गया है 10,000। 10,000 रुपए लगा चुके हैं। क्या समस्या क्या आ रही है? ये इसके पानी पीने की समस्या है, पानी अच्छा नहीं आ रहा है। पेट में उल्टी दस्त लग रहे हैं, अभी मैं बता के ये गुड़िया को। ठीक है, दस्त उल्टी तो सबको लग रही है। ये पानी पीने से समस्या आ रही है, खुजली भी आ रही है, मेरे बच्चों को भी आ रही है, मेरे को भी आ रही है। अभी बाढ़ का पानी आया था, क्या कुआं भरा गया था क्या? हाँ, बाढ़ का पानी आया तो पूरे कुएं के ऊपर से पानी गया, और वही पानी है, हमको पीने के लिए भी बोलते हैं कि यही पानी पीना पड़ेगा और वापर भी आने यूज भी करो। क्या मल्टी वगैरह में पानी आ गया था? हाँ, मल्टी। क्या नाम है आपका? भारती पवार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।